संडे लाइव विद मोहित शुरू होता है अब। डंग टंग 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 डंग डंग डंग। पहला सवाल, आज मोहित लेट क्यों आया? टंग टंग टंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कि वो भूल गया था। ऑप्शन बी कि वो कुछ लेने गया था। ऑप्शन सी कि वो खाना खा रहा था। ऑप्शन डी कि वो गेम खेल रहा था। क्या लगता है तुम्हें आज मोहित लेट 9 बजे की जगह लाइव चैट 10 बजे क्यों हुई? कौन देगा सही जवाब? क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो आ जाओ यार लाइव, आ जाओ सबके सब। शानदार, आ ही गए फाइनली सबके सब, तुम सब भी। आकांक्षा सिंह कह रही है, हे आकांक्षा सिंह। हाय रिया अंबालिया। वरुण कुमार, क्या हाल है लड़के? अरे बढ़िया है लड़के, वरुण भाई है जयपुर से, बढ़िया रैपर है। पूनम सोनी भाई, क्या पूनम सोनी भाई, वो क्या है वरुण का भाई, तेरे को लग गया, सॉरी पूनम सोनी। कैसी है पूनम? आकाश गुप्ता कैसा है भाई? और निकिता गुए, निकिता बहुत क्यूट है निकिता। अंकिता रॉय, हेलो मोहित, हेलो अंकिता। हाय तान्या गिरी, हाय महबूब शेख, हाय मार्गी जानी, अम्मू मलू अम्मलू, क्या नाम है तेरा यार, बोलने नहीं पता, इतना प्यारा लग रहा है, अम्मू मलू अम्मलू। शानदार, कैसे हो अम्मू मलू अम्मलू? चंदन पवार, हेलो। विवेक सांगवार, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, किस पे आएगा बताओ। आए हाय अनुराग शर्मा, जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू अनुराग शर्मा वीडियो शेयर करने के लिए, और थैंक यू तुम सबका लाइव आने के लिए अभी इस टाइम पे। मैं जानता हूँ जनरली अपना 9 PM को लाइव होता है, और आज अभी 10 बज के आते आते थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तो इसका जवाब देखते हैं किसने दिया है। किसी ने कोई ऑप्शन सेलेक्ट भी किया है क्या? मेरे वो मैं स्टार्ट कर रहा था KVC टाइप के कुछ, एकदम से याद है मुझे KVC की तरह बोलते हैं, तो किसी ने मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन ABC में से किसी का नाम नहीं लिया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ मैं लेट क्यों आया। अच्छा, मैं इसलिए लेट आया यार क्योंकि आज ना मैं केक और एक गुलदस्ता लेने गया था। क्यों? मतलब गुलदस्ता बोले तो बुके, बुके भूखे नहीं, बुके और केक, मतलब क्योंकि आज अपने अर्चित भैया है ना, अर्चित भैया और मेरी अतिमा है, उन दोनों की एनिवर्सरी है, तो अर्चित भैया और अतिमा की मतलब एनिवर्सरी है बहुत सालों की, एक और एनिवर्सरी है, तो अतिमा ने मुझे कहा था कि है ना एक तो बुके और एक केक उनके लिए लेकर आना है, तो मैं वही लेने गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये बुके आ जाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। ये देखो, ये अतिमा की तरफ से अर्चित भाई के लिए बुके, तो यही मैं लेने गया था यार, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया पता है। अच्छा, अब तुम सब कैसे हो यार, ये बताओ मुझे, तो एक हफ्ता हो जाता अपन को बात करो नहीं, कैसे बिछड़े हुए मतलब अजीब से दोस्त है अपन, एक हफ्ते तक बात नहीं करते, और फिर एकदम से एक संडे आता है और उस दिन अपन सारी बात निकाल देते दिल की। विवेक, विवेक कह रहे हैं खामोशियां सॉन्ग प्लीज। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें मिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, कि बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, ये खामोशियां कह रहे थे क्या तुम सॉन्ग? और अरे यार मार्गी जानी, क्यूटी पाई आज रूम दिखाओ अपना, बड़े दिन से बोल रही हूँ। नहीं यार, मैं रूम दिखाने बड़ा शर्माता हूँ यार, क्योंकि मैं ना इसको थोड़ा ज़्यादा ही साफ सुथरा रखता हूँ, और मैं चाहता नहीं हूँ तुम मेरा साफ सुथरा रूम देखकर बहुत ही खुश हो जाओ, मेरे बारे में गलत फहमियाँ बना लो कि मोहित तो बहुत साफ सुथरा रहता है, ही लाइक्स क्लीननेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि दिन आओगे यहाँ पे तो पता चलेगा, मैं भूकंप मचा के रखता हूँ। अब क्या है, मुंबई में मम्मी तो है नहीं मेरे साथ में, तो वो ध्यान नहीं रख, ध्यान मतलब जयपुर में रखती थी, यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे ऐसी पड़े रखना, सब कुछ ऐसे इधर उधर बिखरे हुए रहना। बहती है कहती है निगाहें और बिखरे है बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल,
मलिक नेहू एंड 13 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू मलिक नेहू वीडियो शेयर करने के लिए यार। सचिन सिंह कह रहे भाई, सचिन JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर के बैंड वॉर वाला याद है, आपका इंटरव्यू लेना था, फेसबुक पे मैसेज करूं। अरे सचिन सिंह, अरे बाप रे भाई साहब, इंटरव्यू लेना है तो बिल्कुल यार, तू मैसेज कर मेरे को। JCRC में बैंड वॉर वाला, अरे यार JCRC में तो मतलब वो भी मतलब एक अलग ही टाइम रहा है मेरे लाइफ का। JCRC में मैंने बहुत फन किया उस कॉलेज में, मैंने दो साल तो मैं मिनिमम गया ही था वहाँ पे बैंड वॉर कॉम्पिटिशन में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई उस कॉलेज से भी, और बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बने थे मेरे। और उस टाइम हमने साथ में फिर फैशन शो भी देखा था JCRC का फैशन शो में, यार मतलब अच्छा लगता था यार, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, ब्यूटीफुल सी यार, अच्छा लगता था। कोई बात नहीं, अभी वो टॉपिक बाद में छेड़ते हैं। प्रपति व्यास कह रही हैं, आप कभी कभार DM भी देख लिया करो जी, ऐसा है क्या? यार DM मतलब डायरेक्ट मैसेंजर, DM मतलब इंस्टाग्राम वाला या यहाँ वाला? मैं देखता हूँ यार, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं देख पाता, ऐसा हो जाता है। प्रेम जांगड़ कह रहे मोहित भाई कितना इग्नोर करोगे? नहीं भाई बिल्कुल नहीं यार, इग्नोर कैसे करने का, अपन यहाँ आती तुम सबसे बात करने के लिए। देखो सीधी साफ सी सपट बात है, इसमें कोई बकवास नहीं है, बकवास मैं जो करता हूँ उसमें हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई बकवास नहीं है। मैं आते तुम सबसे बात करने के लिए हूँ, तो हो सकता है कभी तुम्हारा कमेंट बहुत जल्दी स्क्रॉल हो जाए तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, पर मैं आता ही सिर्फ तुमसे बात करने के लिए हूँ, इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, समझे? एंटरटेनर SRJ 18 जो शेयर वीडियो, थैंक यू सो मच SRJ भाई, और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो यार। अमनदीप कौर मल ही कह रहे हेलो कपकेक, अरे क्या बात है। ऋतिका मित्तल कह रहे ऑसम सॉन्ग्स, लव यू, अरे यार थैंक यू। लुनारी दास कह रहे हैं लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू जी, आई लव यू टू, आई लव यू टू। जयश्री साह कह रहे लव यू मोहित। विवेक सॉन्ग का उन्होंने कर गया सर, स्टोरी वाला सॉन्ग, स्टोरी वाला कि अरे यार अभी एकदम से स्टोरी वाला कौन सा सॉन्ग सुनाओ तुम्हें, कौन सा स्टोरी सॉन्ग सुनाओ, तुम बताओ कौन सा स्टोरी सॉन्ग सुनना है तुम्हें, कपकेक स्टोरी सॉन्ग, बीमा वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग या मामा स्टोरी सॉन्ग, तीनों में से कोई भी एक स्टोरी सॉन्ग जो भी बताओगे, जो भी तुम कहोगे वो सुना दूंगा मैं। हाँ ये शानदार। ओ कीर्ति चौहान कह रही हमारे अधूरी कहानी वाला स्टोरी सॉन्ग, यार वो भी मुझे मतलब बहुत पसंद है। और सजदा परवीन कह रहे नेटवर्क गया और मैं भी जा रही, मतलब अभी तो तुम्हारा नेटवर्क आ रहा है, अभी तो आ रहा है यार, रुको थोड़ी देर, तो थोड़ी देर और ठहर जा, और कोई गाना गाऊं तेरे लिए, हैं जाने वाले लोगों की क्या? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं भरा दिल, अभी तो बातें करते हैं, अभी तो शुरू ही है यार बातें करना। और कोमल मनीष जैन कह रही है यू लुक कूल इन मस्टाच ऑसम वॉइस, थैंक यू यार कोमल, थैंक यू। मुस्कान जैन कह रहे हैं बीमा वैलेंटाइन स्टोरी सॉन्ग सुना उन्हें। रोशनी कह रही है कपकेक। तानिया कह रही है मेरा नेट लाइव चैट के टाइम पे ही पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करता है। तानिया हो सकता है यहाँ बारिश हो रही ना, इस वजह से हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आ रही हो, मुझे नहीं पता टेक्निकलिटी तो यार, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। ईशानी नामदेव कह रहे हाय मोहित हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस, मेला कन्नू कल 11 ईयर्स का हो जाएगा हमारे साथ, कन्नू के लिए ही गा दो ना कुछ। अरे यार ऐसे प्यार, जन्माष्टमी आने वाली है तो अपन कृष्णा जी के लिए एक सॉन्ग गाएं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे से कृष्णा जी का भी बर्थडे आने वाला है भाई अभी 15 अगस्त को ही, ये। और इसी बात पे सौम्या रंजन साहू कह रहे हैं मैं फिर भी तुमको चाहूंगा प्लीज गा दो हैप्पी जन्माष्टमी लव यू। यार एक बार तुम मेरे को ना, एक बार तुमको बताता हूँ, देखो मेरे को ना बहुत लाड आता है तुम जब ऐसे प्यार से कमेंट करते हो ना,
मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब बहुत ही ज्यादा लाड आ जाता है यार मुझे, मतलब हिसाब नहीं लगा सकता मैं तुमको, बता नहीं सकता कितना लाड आ जाता है। लाड मतलब एक्सट्रीम प्यार, इंग्लिश में बोलूँ तो एक्सट्रीम लव, लव का वो जो मतलब बहुत ज्यादा लाड आ जाता है यार, प्यारे से हो यार तुम, बहुत ज्यादा प्यारे हो मेरे को, मैं क्या कहूँ यार। और शोएब खान कह रहे हैं मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, कब से कह रहा हूँ गलत फहमियाँ सुना दो प्लीज। ऐसा क्या कि कुछ हाल था दिल का बुरा, कुछ हो गई दूरियां, ना 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 बस कर गई हमको जुदा, गलत फहमियाँ गलत फहमिया। अरे राहुल सचदेव भैया का मैसेज आया, हाय मोहित, राहुल भैया कैसे हो आप? राहुल भैया अपने बड़े भैया हैं यार एमिटी में, और मैं तुमको बता भी चुका हूँ पहले तुम सबको कि राहुल भैया अपने मतलब अपनी जान है, मतलब बहुत प्यारे और बहुत प्यारे म्यूजिशियन आर्टिस्ट हैं, अभी ये बिजनेसमैन बन चुके हैं कॉलेज के बाद में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। राहुल भैया अभी लाइव चैट में है, राहुल भैया आप कैसे हो? और भाभी जी कैसी है मेरी, उनको मेरा हाय कहना मेरी तरफ से प्लीज, और उनके लिए कोई भी गाना गाना हो तो आप बताना। और मोहित कुमार जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू मोहित कुमार वीडियो शेयर करने के लिए यार, और जितने भी लोग अभी लाइव है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है जी, दिल से बहुत ही ज्यादा तुम सब आए यार लाइव चैट पे बात करने, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। चलो बात करते हैं, अब तुम सब कुछ बताओ यार, अब मैं तो बहुत देर से बोले जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, अब तुम सब कुछ बताओ अपने बारे में, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या ढिंचाक पना ढिंचाक पूजा से पहले मेरी जाने मन मेरी नंदिनी मेरी छोटी बहन जो है वो बोला करती थी, वो एकदम ढिंचाक है सब कुछ, तो ढिंचाक मुझे उसकी वजह से याद आता है जब भी आता है। तब तक अब मुझे तुम सब बताओ तुम सब कैसे हो। राहुल भैया का मैसेज आया, आई एम फाइन, क्या बात है। मुस्कान जन कह रहे हैं इट्स माय बर्थडे टू टुमारो, बिफोर टू इयर्स यू मेड अ वीडियो फॉर मी ऑन आशीष महामवल्स रिक्वेस्ट, प्लीज एटलीस्ट सिंग समथिंग फॉर दिस बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्कान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पीयू सोनी बड़े दिन बाद देखा है आपको, मुझे तो उड़ा दी थी और आज फिर से वैसी ही करनी है। अरे यार वो क्या है अपने तो घर की खेती है यार, मैं इसको मना करता हूँ ना रोजाना, ए आज नहीं बढ़ने का, बढ़ जाती है अपने आप, अपनी मर्जी की मालकी नहीं हुई बताओ। एंजल शाजी कह रहे हैं किन्ना बोलते हो पर मस्त बोलते हो। अरे यार अपना काम ही बोलने का, लाइव चैट में मैं चुप बैठा रहूंगा तो कैसे चलेगा बताओ, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, तुम सब कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा अपना बात करना, जब अपन आती ही बात करने के लिए एक दूसरे से तो बात करनी तो चाहिए ना, मतलब ऐसा। दत्तारे लोहटे कह रहे अरेबिक सर थैंक्स, अरेबिक सर थैंक्स मतलब वो शायद चाहते मैं कुछ अरेबिक सॉन्ग गाऊं, यार अरेबिक तो मुझे आता नहीं है लेकिन क्या यार और क्या मतलब अरेबी में वो गाना मुझे, वो अब मुझे पता नहीं वो अरेबिक है कि नहीं है, वो है ना कहो ना कहो में आता है, कहो ना कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम सनम, उसमें आता ना वो तमल हावी इमखते दिल इलाई हानी अदंदो विल विलई हो वला लकुली तू रफ दिया हावी इमखते दिल तू ही जीने का सहारा है। मुझे आती नहीं है एग्जैक्टली यही वर्ड्स हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है ये शायद अरबिक हो सकता है, नहीं तो या गाली रहम गाली ऐसा कुछ, ज्यादा अरेबिक आती नहीं है ब्रो मुझे, रियली सॉरी। अरे भरत असवाल का आ रहा है काम और लोगों का सारा अपडेट्स, सच है क्रैप ऐप। भरत तो अपना भाई है एमिटी का यार, बताओ एमिटी वाले आज तो मतलब धड़ाधड़ मिल रहे हैं यार, एमिटी के जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त लोग, मेरे कॉलेज के जूनियर्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे साथ बैचमेट्स, दोस्त लोग और सीनियर्स लोग सबको मेरा बहुत सारा हाय, अगर एमिटी से कोई भी देख रहा है तो, अभी राहुल भी है तो देख ही रहे हैं, भरत का भी भाई का मैसेज आया और भरत कह रहा है कि भाई उसका और उसके बाद अभी और कुछ काम नहीं है, सारा करके जो नई एप्लीकेशन आई ना उसके अपडेट्स दिखता रहता है। अरे यार सच में मतलब क्या मचा रखा है अभी लोगों ने, मैं फेसबुक गलती से खुल जाता है ना तो उसमें हर जगह सारा की अपडेट्स, मतलब लोग सीक्रेट मैसेज करते हैं अपने अपने, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है देखो मैं
अच्छा बताओ इसका ट्रेंड कैसे शुरू हुआ था. मतलब मैं पहले जब कॉलेज में थे तो कन्फेशन पेजेस होते थे ना, तो उस पर आइडेंटिटी तो रिवील होती नहीं किसने क्या लिखा है, तो उस कन्फेशन पेजेस पर सब अपनी भड़ास निकाल देते थे, इसके लिए ये, उसके लिए ये, तू अच्छा तू बुरा, ऐसा करके जो भी है. और अब उसके बाद ये इस तरह की आ रही है, एक तो से एट मी आता था और अब ये सारा आता है. सारा रहा मुझे सारा रहा सुनाई मतलब पढ़ने में आता था पहले, फिर बाद में सारा हा है ऐसे कुछ सारा हा. तो तुम बताओ तुम सबको क्या लग क्या रहे सारा ऐप के बारे में, मतलब कैसी लग रही है तुमको एप्लीकेशन, तुमने यूज करी है क्या? मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, मतलब पर मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त इसको यूज कर रहे हैं और उनको मतलब लड़कियों को तो बहुत शानदार ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, मतलब ऐसे ही लगता है मतलब वो विल यू बी माई डेट, विल यू मैरी मी, यूर क्यूट, ऐसा करके मतलब जो भी बोल नहीं पाते हैं. अच्छा मैं भी खैर ऐसा ही हूँ, मेरे को अगर कोई पसंद आता है तो मैं बहुत रेयरली बोल पाता हूँ, अंदर ही रखे रहता हूँ. मेरे कॉलेज के कितने क्रशेज हैं जिनको मतलब मैं अभी तक भी बोल नहीं पाऊँ कि यार तू पसंद थी मेरे को. तो ऐसा ऐसे ऐसे ठीक है यार, अच्छी ऐप है. पर एक जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है ना ऐप के बारे में कि मतलब बहुत सारे मतलब तुम फेसबुक अगर तुमने गलती से खोल लिया तो ऑलमोस्ट 90 नहीं ऑनेस्टली कहूँ 70% तुम्हारी पोस्ट तुमको सारा हा ऐप से रिलेटेड या इसी तरह की ऐप से रिलेटेड मिलेंगे. सब अपना मैसेज दिखाएंगे, हमको ये मैसेज किया और उसको उसका रिप्लाई होगा. मेरे को ताजुब होता है लड़कों के पास जब इस तरह के मैसेज आते हैं ना, मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब कन्फेशन पेज पर लड़के एक दूसरे की मारने के लिए मतलब मजे लेने के लिए एक दूसरे को हम दोस्त लोग ही डाल देते थे कन्फेशन, इसका ये उसका ये, मतलब ऐसे ही मजे लेने के लिए. फिर बाद में रिवील होता था कि वो और कोई नहीं, ये अपना दोस्त था जो ये कर रहा था. ऐसा मेरे एक दोस्त ने किया था, मेरे एक दोस्त के साथ, मतलब उसको रोजाना कार्ड्स भेजता था, मतलब वो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना लव लेटर टाइप के, अलग अलग जगहों से अलग अलग, मतलब कभी स्कूल में, कभी कहाँ पे, कभी उसके घर पे पहुँचा देता था, गिफ्ट पहुँचा देता था. फिर ऐसे बोल के कि है ना मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, ऐसे करके. फिर बाद में रिवील होता है कि वो मजे ले रहा था उसके. तो भाई ये सारा ऐप में यही बड़ा डेंजरस है, अगर तुमको आ रहा हो इस तरह के कुछ लव शव टाइप की कुछ चीज़ें हैं तो हो सकता है तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारे मजे ले रहे हो और हो सकता है कोई रियल एडमायरर हो. लेकिन बड़ा अलग सा है यार ये सारा रहा, तो मतलब अभी बहुत ही सारा हो गया है मतलब बहुत ही ज़्यादा. कीर्ति चौहान कह रही है गधा नेटवर्क और वो रोने का साइन बनाया, उनका नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा. बंशिया त्रिशला कह रहे सुन रहे हो क्या? बंशिया क्या मुझे बताओ ना, मैं क्या थोड़ी देर मैं अपनी मन की भड़ास निकालता गया तो मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाया. प्री सिंह कह रही है हाउ मेनी क्रशेज यू हैव? प्री यार अपना तो कोई हिसाब नहीं है, देख अपन को जो पसंद आया था उस पर क्रश हो जाता है. तो मतलब बहुत सारे क्रशेज रहे यार उनके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने, मतलब क्रशेज के लिए तो बहुत सॉन्ग्स बने, अपने आप बनते हैं फिर वो. ओ वानी गौरव कह रहे मोहित कैसी है वानी? ओ वानी. रिया हसियारी कह रही योर मुस्टैचेस और लव 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 लव, थैंक यू यार रिया. अब यार ये तो क्या है, नहीं कटवाओगे तो आ जाती है अपने आप, मैं तो चाहता भी नहीं, मतलब मेरे चाहने से क्या होता है, अपने आप हो जाती है ये सेट. शुभांगिनी शर्मा कह रही है hey, मोहित नव्या गोयल गुस्सा हूँ तुमने रिप्लाई नहीं करते तुम यार. नव्या मेरे को अभी मैसेज दिखा यार, मैं नहीं तो रिप्लाई करता हूँ, मेरा काम क्या है, आता ही मैं सिर्फ इसलिए सिर्फ तुम सबका रिप्लाई करते. तो प्रिया पांडे कह रही है hey, मोहित हे hey, प्रिया पांडे हे hey, हेलो अमृत छेत्री. निशा गुप्ता कह रही वन टाइम कपकेक प्लीज सिंग दिस सॉन्ग. कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, कि कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है. अच्छा तो यार कपकेक तो तुम हर लाइव चैट में रिक्वेस्ट आती है कपकेक की, और हर लाइव चैट में मैं ऑलमोस्ट गाती हूँ कपकेक, मुझे कोई एतराज नहीं है कपकेक गाने में, मुझे तो पसंद है गाना, मेरा बहुत दिल के करीब है गाना, तो मैं तो हजार बार भी गाऊंगा. लेकिन अभी तुम बताओ तुम्हारा सारा का मतलब क्या चल रहा है, अभी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है या तुम भी तुम्हारे मतलब जिंदगी में क्या घटनाएं हो रही हैं इस एप्लीकेशन की वजह से, इस या इस तरीके कोई भी एप्लीकेशन की वजह से, क्या मतलब कोई अच्छा कुछ मुझे कुछ बताओ यार अपने बारे में, कुछ इनसाइड मतलब जानने को मिले कि चल क्या रहा है भाइयों के मतलब भाइयों के और दोस्तों के तुम्हारी लाइफ में यार, पता चले अच्छा लगता है मुझे बहुत. श्रीकांत भारत कर रहे हे मेरे कमीने, और मेरे कमीने कैसा है श्री? श्री भी अपना भाई है यार, क्या बात है, सारे भाई लोग आ गए. विकेश यदुवंशी कह रहे हैं भैया आप एमिटी यूनिवर्सिटी से हो क्या? मैंने भी वहीं एडमिशन किया है. क्या बात है विकेश. हाँ मैं एमिटी से हूँ यार, एमिटी जयपुर में पढ़ता था मैं. और शशांक आर्या कह रहे हैं भाई थोड़ा अटेंशन तो दो बंदे को. बिल्कुल शशांक भाई,
तुम्हारा कमेंट मैंने अभी पढ़ा यार। और तनु सरकार कह रही हेलो मोहित सर, निगार सुल्ताना बडी सुनो, रिलेटेड टू बारिश गाना गाओ ना, रिलेटेड टू बारिश। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, तुझी से शुरू हो हमारी कहानी। ऐसे मतलब मेरे को पूरा गाना नहीं आता, मेरे को एक लाइन आती थी ऐसा, तो मैं पूरा नहीं गा पाया, सॉरी यार। मेरे को एक लाइन आती थी इस गाने की, पर बाकी सुना है मैंने इसलिए गा दिया, बारिश से रिलेटेड और प्यारा गाना है। तो यह सारे कह रहे हे यू आर माई कपकेक मोहित, और किस यू आर माई कपकेक टू रिया। अरे यार क्या बात है। श्रेया सिंह राजपूत कह रहे लव यू यार मोहित, सीरियसली यार मैं एम योर बिग फैन यार, यू जस्ट टू क्यूट यार। यार तू तो मेरी तरह यार बहुत बोलती है, मैं भी यार बहुत बोलता हूँ और मतलब बहुत बोलता हूँ। मैंने कभी कभी अपने वीडियोस, लाइव वीडियोस देखता हूँ ना, तो मतलब मेरे से बहुत बहुत बार निकलता है, नहीं क्यों, मुँह से अपने आप ही। आरजे शुभम गुप्ता शेयर योर वीडियो, थैंक यू शुभम गुप्ता। और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू है जी। जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग बाद में वीडियो देखने वाले हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू है जी। और अपन इसी तरह संडे को लाइव करते हैं यार, उस दिन अपन कुछ नहीं करते, बस बातें शातें करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं अपने थॉट्स का। तो लाइव आने का है ना, हर संडे को लाइव आने का है, तुम सबको भी और मुझे भी, मैं तो कोशिश करूंगा ही। मुस्कान बोल के रही सारा बेकार ऐप है ये, ऐप से लोग अपनी ही तारीफ करते हैं, ऐसा है क्या? तो मुस्कान ने कुछ सीक्रेट रिवील किया कि लोग अपनी ही तारीफ करते हैं। अच्छा बढ़िया बढ़िया। और एक और कमेंट है, मैं अभी यूज ही नहीं किया, ऐसा है, ठीक है। और सावित्री अंशता शेयर योर वीडियो, थैंक यू सावित्री। शाहिद अमन विकी कह रहे मेरा नाम बोल दे एक बार भाई, मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे यार भाई, एक तो तेरे नाम में तीन नाम है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार, इस तरह नाम होते ना कुछ अलग से। शाहिद अमन विकी, तीन नाम है तेरे, गजब। शाहिद भाई, अमन भाई, विकी भाई, नहीं क्या नाम है। अरे यश नाई भी आया, यश नाई कह रहा है भाई हमने ना 42 इंच का स्मार्ट टीवी लाया है, उसमें मैंने आपका सॉन्ग देखा। क्या बात है यार, कौन सा सॉन्ग देखा यश बता मुझे। और पूनम सिंह कह रही गॉड ब्लेस यू डियर, यू आर टू जॉली जॉली LLB 2, जॉली LLB 3 में अपन ही काम करेंगे फिर तो टेंशन अटक जाता हूँ कभी वो। अपराजिता सिंह दियो कह रहे फिर मुझे दिल से पुकार तू गा दो, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू, कि तेरी बाहों के सराने रह लूं अब से, जब से तू मिला है मैं रूठा नींद से, ओ यारा बिन तेरे जीना मुमकिन नहीं। और अभी मस्त बारिश का सीजन चल रहा है यार, और पता है तुमको अपने पुलकित भैया ने ना अपने लिए आलू चाट बनाई, और अभी आलू प्याज की बहुत टेस्टी सब्जी बना रहे हैं, और मेरे को बहुत भूख लग रही है। विनी भैया भी आने वाले हैं, मतलब विनी भैया मतलब अर्चित भैया भी आने वाले हैं, तो उनके लिए सरप्राइज़, अभी आज उनकी एनिवर्सरी है उनकी और अतिमा की, तो वो सरप्राइज़ भी, मतलब सरप्राइज़ क्या, छोटे सा एक पार्टी है वो भी प्लान करनी है। तो अभी मेरी जाने मनो टाइम है जाने का, और ये बहुत प्यारा डायलॉग लगा मुझे यार, मतलब जाने मनो टाइम है जाने का, जाने जाने मन जाने का ऐसा कुछ। तो अभी जाने मनो टाइम है जाने का, एंड प्लीज़ टेक केयर। एंड इसी तरह यार तुम लाइव चैट पे आते रहो यार, मेरे तो बहुत अच्छा लगता है तुमसे बातें करना। अगर मैं तुम सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँ तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज़ आप लाइव चैट में आते रहा करो, मैं कोशिश करता हूँ जितने हो सके उतने कमेंट्स का रिप्लाई करने का। एंड एक ही बात कहूँगा यार, देखो जो मतलब सच है दिल से, एंड आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर वॉट। तुम नफरत कर लो, तुम मुझे गाली दे लो, बुरा भला कह लो, प्यार कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो तुमसे प्यार करता रहूँगा, करता आया हूँ, हमेशा करूँगा। एंड तुम भी कोशिश करना यार, जितने लोगों से हो सके उन सबसे मतलब प्यार करो, खूब सारा प्यार करो। अगर किसी ने कोई गलती करी हो, कभी किसी पर गुस्सा हो, तो माफ कर दो यार। एंड प्लीज शेयर लव, कीप लविंग एंड स्टे हैप्पी। और जन्माष्टमी की एडवांस में विशेज, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी एडवांस में तुम सबको। तो प्लीज टेक केयर, आई लव यू, बाय, आई लव यू, आई लव यू ऑल।